हेलो गाइस, हम आए पहुंच गए हैं अरुवली और ये है यहाँ पर का नजारा। यहाँ पे बीच में ग्राउंड है ये सारा, तो इसके चारों तरफ स्टेप से रखे हैं, पूरे पहाड़ पर्वत वगैरह दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर में बर्फ वगैरह दिखाई दे रही है। लेकिन अभी यहाँ पे नीचे यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ी है, वरना ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी पूरा बर्फ से ढका होता है और ठंड बहुत हो रही है। जिस समय हम गए थे फ्रेंड्स, उस समय लोग कम आए थे, हम सुबह जल्दी पहुंच गए थे। यहाँ 11 बजे के बाद ही लोग आते हैं, लेकिन हम पहले पहुंच गए और हमने फोटोशूट वगैरह किया थोड़ा, और चारों तरफ उस समय इस टाइप का नजारा था, आसमान बिल्कुल साफ था। अभी यहाँ पर सारा सूख रखा है, ग्लेशियर जब पिघलता है तो यहाँ पे बहुत पूरा पानी से भरा रहता है। चारों तरफ पहाड़ और पेड़ वगैरह, इधर उधर पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, और दूर जो है बर्फ दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सुंदर नज़ारा है, यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे फोटो शूट वगैरह करते हैं। और यहाँ पे जो ये ऊंचा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बेताब फिल्म और बजरंगी भाईजान फिल्म की सब बर्फ पड़ी हुई है इधर, और यहाँ है माइनस में टेम्परेचर है। हमारे हाथ पाँव बहुत ठंड, -3 है, हाथ पाँव ठंडे हो गए हैं। यहाँ नीचे यहाँ पे सब लोग अभी अभी आ रहे हैं, थोड़ा बहुत लोग स्टॉल भी लगे हैं, लोग फोटो खिंचा रहे हैं। हम लोग थोड़ा ऊपर आ गए, यारू वैली है यहाँ पे। बजरंगी भाईजान में जो मुन्नी का घर था वो यहीं पर था, और वो भी हमने देखा यहाँ पर। आज हम वहीं आए हैं, और ये गांव, ये वाला गांव था, ये यहाँ पे गांव है एक, जो मुन्नी का घर दिखाया था फिल्म में वो यहीं पर था। तो देखिए आपको कैसा लग रहा है कश्मीर की आरू वैली, इसी को आरू वैली बोलते हैं। यहाँ पर हमने भी यहाँ पे खूब एंजॉय किया और फोटो शूट किया, वीडियो बनाई, हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हमने आरू वैली देखा, वहाँ बजरंगी भाईजान और जर्रा मूवी, और तो हमने जय बजरंगी भाईजान का जहाँ फिल्म देखी है, फिल्म में सीन देखा था, तो अभी हम लाइव देख के आए हैं। ऊपर मुन्नी का घर होता है ना बजरंगी भाईजान में, तो उसका घर ऊपर था, ऊपर तक घूमने गए, तो नीचे हम वैली तक पहुँच गए। अब जा रहे हैं हम बेताब वैली, वहाँ पे बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी, सनी देओल की जो फिल्म है बेताब की, तो वो वहाँ पे हम जाएंगे। और यहाँ पे है रास्ते का नज़ारा, बेताब वैली, ये है बेताब वैली का जानकी सभी का रास्ता, जब तक है जान की शूटिंग हुई थी यहाँ पे। इसके बारे में इसी में बेटा पिक्चर का शूटिंग है। अच्छा, बेटा नाम था हगन का। अच्छा, बेटा बेटा पिक्चर बनी है, बेटा बेटा हो गया। यहाँ पे लोग सब शूटिंग वगैरह कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं लोग नीचे। यात्रा शुरू होती है,
ये वाले यहाँ से अमरनाथ की यात्रा, यहाँ से टिकट मिलती है, यहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। आजकल तो बंद है इसलिए, और यहाँ से ही स्टार्टिंग होती है अमरनाथ की। यहाँ से 32 किलोमीटर है बता रहे हैं ये अमरनाथ। यहाँ का व्यू इतना सुंदर लग रहा है, आजकल बंद है अमरनाथ। यहाँ का बहुत सुंदर, अब हम आ गए हैं चंदन वैली, यहाँ पे देखेंगे चंदन वैली। बर्फ देखना, वो नीचे गए हैं चंदन वैली। ये यहाँ से अभी हम पहले व्यू दिखा देते हैं, यहाँ पर बर्फ पड़ के यहाँ पे लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। अभी जाएंगे बर्फ के वहाँ पे हम भी। बोलना हम, हेलो गाइस, यहाँ पहुँच गए हम कश्मीर। ये यहाँ पे है क्या नाम बोलते हैं, चंदन वाली, चंदन वैली, चंदन वैली है। और ये है देखिए अमरनाथ की पहली सीढ़ी, यहाँ से नीली बोट के नीचे से यहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, पहली सीढ़ी है। यहाँ से ऊपर को जाते हैं अमरनाथ के। और देखिए सारे चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ पहाड़, ठंडा ठंडा मौसम, कितना डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ, -4 डिग्री है यहाँ। और यहाँ सब फिसल रहे हैं इसलिए डर के मारे जो है आ रही है, जा रहे हैं हम यहाँ तक आए हैं, फिसल चुके हैं सब लोग, फिसल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भी सब फिसल रहे हैं इसलिए यहाँ तक जा नहीं रहे, ऐसे गाड़ी सब फिसल रहे हैं यहाँ। ये बर्फ ही बर्फ है ये सब, हम भी बर्फ में ही है। ये देखिए हम भी बर्फ में ही है, ये हम बर्फ में ही है इधर, ये सब बर्फ है। और यहाँ पे जहाँ पे और भी ऐसा दिख रहा है कि मिट्टी जैसी लग रही है, लेकिन यहाँ ये ग्लेशियर है, इसमें फिसलन बहुत हो रही है, सब फिसल के आ रहा है। ये देखिए कैसे डर के आ रहे हैं। पर व्यू तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, चारों तरफ जो है पहाड़ है, इधर की साइड को पहाड़ है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं इधर को, और यहाँ से पूरा बर्फ शुरू। दीदी इधर में शिकारा लगा, 150 में दो पीस ले लो। हाँ लगा हुआ है, अभी लेते हैं, अभी आते हैं घूम के फिर लेते। सब स्टॉल लगाया जिसको जो चीज खरीदना चल ले सकते हैं। इधर ये स्टॉल ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत मार्केट लगी है इनकी, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी तो आप भीड़ आने लगी है, उधर भी भीड़ हो ही रही थी, यहाँ पे बस 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तब तक सब घूम लेते हैं। हम लोग घूम के आ गए, उससे बोला ना कि वो जो 2016-17 का दौर था ना, बस वो दौर लाना है। यहाँ पे खाने वाने के लिए खाते हैं कुछ, यहाँ से मार्केट लगी है, ऐसे दुकानें लगी है यहाँ पे, देखो हर जगह बर्फ पड़ी है। आएगा सिर्फ 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, 450, ये 1200, इसी का सेम साइज है 300। अच्छा। ये कार्विंग है सर, ये प्लेन है। अच्छा ये वाला कितने का बोल रहे थे? ये 450, ये 450। पर ये छोटे वाले? ये 100 रुपीज। फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं चंदन वैली से, हमने घूम लिया है चंदन वैली है ना, यहाँ क्या बोलते, अब हम जा रहे हैं अपने कैब की साइड को, और वहाँ से अभी जाएंगे आगे तीसरी जगह। आज 3 जगह कवर करना है हमने, हम आ गए हैं बेताब वैली, हम आ गए हैं बेताब वैली। बेताब वैली हम इंटीग्रेट है,
हाँ सर टिकट ले रहे हैं, टिकट लेके फिर हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। फ्रेंड्स हम ये यहाँ पे आए हैं बेताब वैली, तो यहाँ पे अभी धूप हो रही है और ये देखिए यहाँ का नज़ारा। ये सब बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी, इसी के अंदर हुई थी। और तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से भी, अभी मैं फ्रंट कैमरे से अपने को दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ। और हम आज हमने ये देखा है, कुछ नहीं है मतलब व्यू अच्छा है। आजकल तो पूरा पेड़ पौधे ये सब पेड़ जो है सूख रखे हैं, सारे पत्ते वगैरह झड़ रखे हैं, लेकिन सामने ऊपर देखना कितना सुंदर व्यू आ रहा है, बर्फ जमी हुई है। और ये है यहाँ पे, यहाँ पर से देखिए ये है बेताब फिल्म की जो ग्राउंड वगैरह होता है, फिल्म की शूटिंग वगैरह हुई है बेताब फिल्म की, सनी देओल की यहीं पर हुई है अमृता सिंह के साथ। और यही व्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे बर्फ ऊपर, आजकल बर्फ। यहाँ से हम आ गए हैं, ये सब अभी आजकल सारे सूख रखे हैं, पेड़ पौधे सब सूख रखे हैं इस वजह से। अलग अलग मौसम में अलग अलग व्यू नज़र आता है यहाँ पे, बहुत सुंदर है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप भी आइए और देखिए, यहाँ काफ़ी लोग हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ऐसे पहलगांव में है ये, और लोग शूटिंग वगैरह कर रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं मस्त से। यहाँ पे पानी का है, ये पानी नदी सी है, आजकल तो पानी कम है। इधर भी इसके अंदर शूटिंग वगैरह हो रही थी ना, ऊपर को घोड़े में जा रहे हैं, उधर को वाटरफॉल देखने हम नहीं जा रहे हूँ। बेताब फिल्म की शूटिंग यहीं पे हुई थी, जो घोड़े में घूमता है सनी देओल, तो वो यही है। लाइव दिखा दिया इस टाइप के, ये मिले हैं, अगर जाना चाहते तो ऐसे में जा सकते हो। अभी हम लोगों का हो बेताब वैली पूरी हो गया, हम लोग जा रहे हैं एंट्री गेट से बाहर को निकल। अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं पहलगाम क्लब के अंदर, और इसकी फीस है ये अडल्ट की 50 रुपीज़, चिल्ड्रन की 20 रुपीज़। और यहाँ से एंट्री गेट है, या ये है यहाँ का व्यू सीनरी अंदर। हम यहाँ आज अभी लंच करेंगे इसके अंदर हम, चलो गौरी शंकर मंदिर है। और ये है पहलगाम में, और ये है मंदिर, यहाँ पर से एंट्री गेट है। ये है यहाँ पर मीटिंग चल रही है, और एक और है मीटिंग चल रही है, लोग बाहर खड़े हैं, हमने भी नंबर ले रखा है। था हमारा सेकेंड डे का टूर, तीन जगह गए हम लोग, और फिर लंच वगैरह किया और मंदिर वगैरह भी देखा।
तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।